सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज राज यादव बैक अगेन विद दिस न्यू वीडियो। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स की जो कि आजकल की यंग जनरेशन फेस कर रही है, एंड वो प्रॉब्लम्स को हम शायद ऐसा भी बोल सकते हैं कि बचपन के दुश्मन है। पहले ना अगर बात करें मेरे चाइल्डहुड की, तो ऐसा सीन था कि मतलब ये जो ग्राउंड दिख रहा है ना सामने, उधर इतना क्राउड होता था, इतने बच्चे होते थे कि मतलब पूछो मत, ये पूरा भर जाता था। और किसका बॉल किसके सर पे लगता था वो भी पता नहीं चलता था। बट अभी के टाइम अगर देखो ना, तो अभी की जो जनरेशन है करंटली, उनका सीन क्या मालूम है, मोबाइल के गेम्स एंड टीवी, उसके अलावा कुछ और जमता नहीं है भाई साहब को। तो ये सीन था पहले जब मैं छोटा था, एंड अब आप देख सकते हो सामने कि कैसा है। आप मेरी बात ये सुन के आप बोलोगे अरे भाई पैंडेमिक चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो सी ठीक है, बट सीन क्या है, पहले से ही ऐसा है। पैंडेमिक आने से पहले भी ये ऐसा ही था, बहुत कम लोग आते हैं। एंड मतलब इसका मतलब ये है कि उन्हें फिजिकल एक्टिविटी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। ये तो हो गई एक बात जो कि टीवी और मोबाइल जो कि दुश्मन हो सकते हैं बचपन के अभी के लिए, बट सीन ऐसा है कि सबसे मेजर वाला जो दुश्मन है वो है चाइल्ड लेबर, जो कि बहुत टाइम से चले आ रहा है, बहुत सदियों से, नियर अबाउट डिकेड्स। एंड अगर आप देखो तो ILO जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में जो कैलकुलेट करती है कि कितना लेबर, चाइल्ड लेबर का जो रेशियो है जो कितना कम हुआ है, तो अभी के लिए जो मैंने एनालाइज लगाया है तो 2019 के अकॉर्डिंग इट इज़ 4% नाउ। मतलब फिर भी सोचो 4% भी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी वर्क कर रहे हैं। एंड मतलब आप सोच ही सकते हो कि कितना हो सकता है, बट फिर भी वो सेंसस में लिखा है कि इट इज़ डिक्लाइनिंग नाउ, रिड्यूस हो रहा है। एंड बहुत ही अच्छी बात है, अगर इससे भी कम हो जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा, इट विल बी मोर बेनिफिशियल। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि ये कुछ प्रॉब्लम्स है, तो इन प्रॉब्लम का हर एक बार हम लोग देखते हैं कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन आ ही जाता है। तो सोल्यूशन के बेस में हम लोग के सामने अब कुछ 11 NGOs है जो इंडिया में है और जो अभी स्क्रीन पर आपके सामने दिखेंगे। एंड वो सारे NGOs चाइल्ड के बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं और बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। तो अब NGOs के बाद अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे चाइल्ड एक्ट जो राइट्स है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए बने हैं वो इन टोटल 6 है, और वो 6 राइट्स ये जो स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं वो है। एंड एक्चुअल में अगर आप बात करो तो किसी भी कोई भी बंदे को ये राइट्स ज़्यादा करके पता नहीं है। एंड हाँ, बहुत लोग बोल सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन, ये बहुत लोगों को पता होगा ऐसा ऐसा, बट ये जो आगे के जो राइट्स हैं ना दूसरे वाले, ये बहुत लोग को इनके बारे में इन्फॉर्मेशन पता नहीं है। और मैं इनको लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ध्यान से पढ़ लेना एक बार। एंड हर अच्छे काम की शुरुआत कोई ना कोई एक बंदा आके कर लेता है, कोई ना कोई एक इनिशिएटिव उठा लेता है। तो उनका इस बात का जो चाइल्ड लेबर पर जो कमांड है, जो इंडिया में जो कम करने का जो डिसीजन है, जो एक ही बंदे ने किया था, जो स्टार्ट जो हम बोल सकते हैं, तो वो स्टार्ट की थी तो कैलाश सत्यार्थी सर ने जो शुरुआत की थी। ये जो अमेजिंग जो मोमेंट है, एक्चुअल में बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट टास्क लग सकता है बहुत लोगों की स्टार्ट में कि क्या होगा कैसे होगा, बहुत लोग अपोज करेंगे ये वो ऐसा वैसा, बट एट दी एंड अगर कोई एक बंदा भी ठीक से ठान ले और स्टैंड ले तो मुमकिन है। अब आज भी कहीं ना कहीं बहुत से बच्चों को वर्क के लिए फोर्स किया जा रहा है, और उन सभी की आज़ादी के लिए एक बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त विकास सिरसत, ऑल्सो नोन एज द विकास सिरसत कलेक्टिव, एक न्यू एंड फ्रेश सॉन्ग के साथ आ रहे हैं, और उस सॉन्ग को वो लॉन्च करेंगे ऑन 15 अगस्त 2020, और उस सॉन्ग का नाम होगा आज़ादी बचपन। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी एक छोटी सी झलक। तो ये सॉन्ग सुन के एक अलग सा ही नॉस्टैल्जिया आता है, एक फीलिंग आती है, कुछ ऐसे मेमोरीज आते हैं, मोमेंट्स फ्लैशबैक सामने आ जाते हैं अपने बचपन के। एंड आई होप कि बहुत लोग को पसंद आएगा ही। एंड विकास एंड उसकी टीम ने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं इस म्यूज़िक में, तो होप देम अ वेरी गुड लक फॉर दिस न्यू सॉन्ग। और ये सॉन्ग अवेलेबल होगा ऑन ऑल दी मेजर प्लेटफॉर्म्स लाइक Spotify, JioSaavn, Google Music, Amazon Music, etc. इन 150+ प्लेटफॉर्म्स ऑल ओवर द ग्लोब। और आपका बहुत सारा प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना एंड
एक अच्छे कॉज के लिए, अपने सोसाइटी के लिए थोड़ा सा ये मैसेज फॉरवर्ड कर दें। तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, व्लॉग शॉर्ट सिंपल एंड स्वीट। और आपको पता ही है अपने 3 वर्ड्स का जो यूज़ करने हैं, जो कि है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये यूज़ करो, तब तक मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सी यू एन बब्बा। Thank you.